नमस्कार। जिला स्तरीय लाइफ स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण के अंतर्गत 16 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 के 3 दिनों का प्रशिक्षण डाइट चितरपुर में हुआ। प्रशिक्षण की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसमें विभिन्न प्रखंडों से आए शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसमें डाइट के जितेंद्र कुमार, विनेश्वर सर, प्रमोद प्रकाश सिंह, ममता मैम और अन्य शिक्षकों ने शुरुआत की। इस कार्यशाला में हमें जो मॉड्यूल दिया गया है, इसमें 6 मॉड्यूल हैं, जिसमें से कॉमिक 1, आधा फूल और खजाने का नक्शा, ये जेंडर आधारित रूढ़ियों पर आधारित है। जब समाज निश्चित करता है कि लड़के और लड़कियों में क्या कर और क्या कर नहीं सकते, उन्हें हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। यह बरसों से चले आ रहे हैं और सामाजिक होते हैं। ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे इसकी वजह से जिन लड़कों को खाना बनाने का शौक़ होता है, वह यह सोचकर काम नहीं करते कि खाना तो बस लड़कियों को बनाना चाहिए, और जिन लड़कियों को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, वह सोचकर यह नहीं खेलती है कि सिर्फ लड़के इस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। यह ज़रूरी है कि लड़के और लड़कियों दोनों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाएं। इसमें कॉमिक 2 जो है, आधा फूल और बदलीपुर के चीते, इसमें आदर्श रूप को दर्शाया गया है। टीवी और विज्ञापनों में जिसे आदर्श रूप बताया जाता है, उस आदर्श रूप के कारण हम उनकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, जिससे हम दबाव महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़कियां गोरी पतली दिखने का दबाव महसूस करती है, लड़कों पर गठीला दिखने का दबाव होता है। इसे ही आदर्श रूप कहा जाता है। इसे पाने की कोशिश करना हानिकारक है। आदर्श रूप को पाने के लिए हम पैसा, समय और मन की शांति व्यर्थ कर देते हैं, जिसको हम अपने पसंदीदा कामों को करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने आप को अपने गुणों के लिए सराहा जाना चाहिए। हमें अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि हम लोगों को उनके गुणों के लिए पसंद करते हैं, ना कि उनके लुक्स यानी रंग रूप के लिए। कॉमिक 3, मीडिया में आदर्श रूप, आधा फूल और फिल्म स्टार का भरण। जिस तरह से लोग टीवी, फिल्म और विज्ञापनों में देखते हैं, वो असलियत नहीं होते हैं। जब उनके तस्वीरें लेने के लिए हम उन्हें तैयार किया जाता है, तो उस पर एक बड़ी टीम काम करती है। सबसे पहले उनका मेकअप होता है, बाल बनाए जाते हैं और उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, जिसके बाद उनकी फ़ोटो खींची जाती है। उस फोटो में और बदलाव लाया जाता है, जिसे लंबा किया जाता है, चेहरे के दाग धब्बे हटाए जाते हैं ताकि वो और सुंदर दिखे। जो हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं, वो इसलिए दर्शाए जाते हैं ताकि हमें अपने और अपने लुक्स के बारे में बुरा लगे और हम सारी चीज़ें खरीदें, जिससे हमें लगता है कि आदर्श रूप को प्राप्त किया जा सकता है। कुछ तो है, ये लग रहा है किसी चीज का कागज तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या है ये। चलो इसको किसी से पूछते हैं। किसी, देखो जरा ये क्या लगा हुआ है, कुछ तो लग रहा है। ये तो कुछ लग रहा है, लगता कुछ तो है। देखो तारा, देखो तो ये क्या है। लग रहा है कुछ तो है, किसी का नक्शा है। अजरक तुम भी देखो, तो ये खजाने का ही नक्शा है, डाकुओं का प्रवेश। तबड़ 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 इस तरह से सिक्को मार के उनके खजाने ले गए डाकुओं ने, उनका खजाना। उसके बाद देखो ये खजाने का ही नक्शा लग रहा है। हाँ, ये तो खजाने का नक्शा है। खजाना ढूंढने में अब मजा आएगा। हाँ, बहुत
आएगा, सीमा मजा आएगा ना? सोच रही हूँ कुछ तो, पता नहीं। मेरी मम्मी तो कुछ और ही करती है, वो तो कहती है कि नहीं मैं लड़की हूँ तो लड़कियों वाले काम करने चाहिए, लड़कों वाले काम नहीं करने चाहिए। हम लोग को घर में खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन धोना, ये काम करने को कहती है मेरी मम्मी तो। मैं तो अपना शर्ट का बटन खुद लगाता हूँ, मैं तो लड़की नहीं हूँ। वही तो, लेकिन मेरी मम्मी तो ऐसा ही बोलती है। मैं तो फुटबॉल खेलती हूँ, क्रिकेट खेलती हूँ, लेकिन मैं लड़की हूँ। हाँ, लेकिन मेरी मम्मी तो ऐसा नहीं कहती है। मेरी मम्मी तो हमेशा मना करती है लड़कों वाले काम नहीं करने चाहिए। सीमा, मैंने कहा ना तुम एक लड़की हो, लड़कों की तरह बाहर में नहीं खेलना है तुम्हें, तुम्हें घर में रहकर खाना बनाना है और सिलाई सीखना है, बाहर खेलने के लिए नहीं जाना है। क्या हुआ सीमा? मैं नहीं जा सकती हूँ तुम लोगों के साथ, मेरी मम्मी तो मना कर रही है। अरे ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप है। हाँ, लेकिन ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप ये एक समाज एक मानक तय करता है जिसमें समाज को मजबूरी में उसमें चलना पड़ता है, जैसे कि लड़की घर का काम करेगी और लड़का बाहर कमाने के लिए जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या अदरक चलता है, दौड़ता है, सब चीज करता है, तो क्या तुम चल नहीं सकती हो? चल सकती हूँ। दौड़ नहीं सकती हो? हाँ, दौड़ भी सकती हूँ। किटी, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, मुझे भी लगता है शायद सीमा की माँ के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ होगा बचपन में, जिसके कारण सीमा की माँ ऐसी हो गई है। हमें चलना चाहिए और कुछ नया करना चाहिए, क्या अदरक? हाँ, चलना चाहिए। तो क्या तुम जाओगी खजाने की खोज में? हाँ बिल्कुल जाऊंगी। चलो हम लोग मिलकर इस जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं। इस तरह से हमने जेंडर स्टीरियोटाइप जो समाज में लंबे समय से जो चले आ रहे हैं इसका हम लोगों ने अंत किया और आने वाले समय में इसका बखूबी से इंतकार कर उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। काश अगर हम भी बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत आप लोग दोनों को शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। धन्यवाद। देखो भाई, इमरान बदमाशी किया है। नहीं, आज अच्छा सोई हूं। इमरान का काम किचन है, ठीक है? सर वो रोज लड़ता रहता है। मैं उन्हें बहुत परेशान। तुमको पता है हमारे विद्यालय का नाम कितना फेमस है और तुम लोग जो हो उस विद्यालय के नाम में चांद लगाने की जगह दाग लगाने लगे हो। शांत हो जाओ, आज तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है? स्टोरी का शीर्षक आधा फूल और खजाने का नक्शा। खजाना जानते हो क्या होता है? क्या होता है? छुपा हुआ माल। ठीक है, ठीक है। माल मतलब जो काफी कीमती चीज हो, है ना? वही ना खजाना हुआ। चलो ठीक है, तो कहानी में एक्चुअली ये कहानी जो है एक तरह की नाटक है, तो नाटक में कई तरह के पात्र होते हैं, कई सारे कैरेक्टर होते हैं, तो हमारी कहानी में भी कई सारे कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर का होता है सर। हाँ, ठीक है। फिल्म देखे हो, उसमें हीरो हीरोइन होता है ना, वैसे नाटक में भी कुछ कैरेक्टर होता है, ठीक है? तो पात्र कौन कौन है, तो हमारे सामने पात्र है एक कीर्ति नाम की लड़की जो 16 साल की है, ठीक है? और
उसका कैरेक्टर क्या है कि वो हमेशा जोश की रहती है और होश में भी रहती है, और जो भी काम करती है बड़े मन से करती है। दूसरा कैरेक्टर है अदरक, नाम अच्छा लग रहा है अदरक। हाँ बहुत कूटेंगे तुमको भी, बहुत तुमको अदरक याद आ रहा है। तो 15 साल का लड़का है, वो भी 7th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दिया जैसे ही, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी कैरेक्टर है तारा, जो है तो छुटकी लेकिन उसके पास सभी चीजों का सलूशन रहता है। मिस इम्पॉसिबल है, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। तो होता क्या है, होता यह है कि एक लड़की सीमा रहती है, सीमा के पास एक बार कोई कागज उड़ के आता है, हवा से कागज एक उड़ के आया, उसका ध्यान उस कागज पर जाता है और वो बोलती है कि अरे ये कागज कैसा है। को समझाया गया है हमें अपने तुलना दूसरा या अभिनेताओं से करना स्वाभाविक है, हम सिर्फ उन्हीं लोगों से तुलना करते हैं जो हमारे हिसाब से हमें अपने से बेहतर लगते हैं। कॉमिक फाइव आधा फूल और खतरे में बदली फूल, इसमें शारीरिक बनावट से जुड़ी हानिकारक बातों को संबोधित किया गया है। लोग बिना सोचे समझे शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें बताते हैं क्योंकि हमारे समाज में आम होते हैं। इसका यह कारण है कि लोग टीवी और विज्ञापनों के कारण आदर्श रूप का पाने का दबाव महसूस करते हैं। बॉडी टॉक शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें को कहते हैं। ऐसी बातें दोनों सकारात्मक ध्यान सकती है कि हम जो मूवमेंट करते हैं, हमारा जो बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फेस, स्टार्ट करते हैं फेस से। ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा फेस है, कहा जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ये जो चेहरा है मन का सूचकांक है, ये इकोनॉमिक्स वाले से समझते हैं। तो हमारा जो चेहरा जैसा रहेगा, हमारा एक्सप्रेशन जैसा रहेगा, वो लैंग्वेज शो करेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फेशियल एक्सप्रेशन। एंड कम टू द पॉइंट, द नेक्स्ट आईज, आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद अदर पीपल। हाउ, जब आपको पढ़ाते हैं एज ए टीचर और क्लास में मूवमेंट करते हैं, तो जो कॉम्पिटेंट बच्चे होते हैं वो आई कॉन्टेक्ट टीचर के साथ रखते हैं और टीचर भी रखते हैं। सपोज अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग देखेंगे कि वैसे स्टूडेंट हु डज नॉट नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, सिंपली वो आईज को डाउन कर दे। दो कारण हो सकता है, वन he does not know the answer, second one is he is not interested to give the answer, ye bhi sambhav hai, wo jaan raha hai wo hame bole। to eye contact bahut acha hai kisi ki bhasha ko samajhne ke liye। next lips mein hum aate hain, what is the function of lips, hum log kuch baat cheet karte hain to ek dusre se takrate hain, jo bio mein ho अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो अपर जॉ होता है, जहां पे अपर लिप है वो फिक्स होता है और मूवमेंट हमारा नीचे हुआ करता है जो कुछ हम बोलते हैं। तो जब लिप्स क्या होता है, स्माइल करते हैं तो लिप्स आर वेरी रिलैक्स्ड, हम लोग नॉर्मल वे में करते हैं, हम स्माइल करते हैं। लेकिन अगर आप में एंगरनेस है, आप गुस्से हैं, तो योर लिप्स बिकम टाइट। अगर हम किसी बच्चे को आंख दिखाते हैं, लिप्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, टाइट है और आंख मेरा बड़ा बड़ा है, आप कभी भी बच्चों को आंख से अगर डराना सिखाएंगे तो मुंह खोल के लिप्स के माध्यम से नहीं कर सकते, जस्ट ट्राई ऐसे करेंगे, वो नहीं समझ पाएगा कि ये सब गुस्से में है या साथ। तो लिप्स, द मूवमेंट ऑफ लिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज स्माइलिंग, सर ने जो बोला स्माइल जो हम लोग करते हैं, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। समवन यू मीट एंड यू डू जस्ट डू द स्माइल, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो स्माइल। बट वन थिंग इज देयर, अगर फेक स्माइल है वो भी हम लोग नोटिस करते हैं, दैट इज आवर बॉडी लैंग्वेज। अब हमारा हैंड के ऊपर हम लोग आते हैं, तो हैंड जो हमारा है, हैंड का जो मूवमेंट है,
ईच एंड एवरी फिंगर से समथिंग, कुछ ना कुछ कहता है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए किसी को हम इशारा करते हैं। में उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों तथा मास्टर प्रशिक्षक ने सामूहिक फोटोग्राफ लिया। धन्यवाद आप सबों को।